तो ये हम देख रहे हैं कि इस तरह का अगर कोई रेस्पॉन्सिव टेबल हमें बनाना हो, ऑफेंसिव टेबल, तो इस तरह का सीएसएस की प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे बना सकते हैं। टेबल हम पहले भी एचटीएमएल में सीख चुके हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिव टेबल बनाना हमारे इसके अंदर थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। जरा सा साउंड चेक कर लेते हैं। ओके, तो अब इस तरह का जो टेबल का जो एचटीएमएल कोड है वो सिंपली एचटीएमएल कोड तो इसी तरह का होगा, क्रिएटेड हम यहाँ पर ले लेते हैं इसका। तो HTML कोड में वही हमने H1 लिख के फैंसी टेबल लिख दिया और टेबल की आईडी बना ली, व्हाटएवर आप क्लास भी बना सकते हैं, पर इसमें आईडी बना दी कस्टमर्स के नाम की और उसके अंदर एक रो डिक्लेयर करी और रो के अंदर कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री के तीन कॉलम्स डिफाइन किए। चूंकि ये TH में था तो डेटा जो है सेंटर और बोल्ड होता, लेकिन ये लेफ्ट कैसे हुआ अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। और टेबल रो करके दूसरी रो में कुछ ऐसा रिकॉर्ड डाल दिया तीसरी रो में, और इस तरह से डिफरेंट रोज के अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड डाल दिया और फाइनली टेबल के टैग को यहाँ पे कवर कर दिया। ये था हमारा HTML कोड। अब हम आते हैं इसके CSS कोड की तरफ। तो इसका CSS कोड जो है, हमारी जो CSS फाइल है उसमें हमें मिलेगा जिसका नाम है table.css। तो table.css की फाइल हमने इसमें सेव कर रखी है। ओके, खोलिए इस फाइल को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, हमने कस्टमर्स के लिए एक आईडी डिफाइन की है। आप क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं डॉट करके, यहाँ पे आईडी डिफाइन होगी। आईडी और क्लास का डिफरेंस आपको पता है, आईडी फॉर यूनिक और क्लास फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली की हमने डिक्लेयर कर दिया, जिसमें फॉन्ट इसका डिक्लेयर कर दिया जो भी हम चाहते हैं टेबल के अंदर, और बॉर्डर को कलेप्स कर दिया तो बॉर्डर इसके खत्म हो गए। उसके बाद विड्थ जो है हमने 100% कर दिया, और इसके बाद हमने कस्टमर्स आईडी के अंदर जो भी टीडी टेबल डेटा यूज हो रहा है और जो भी टीएच यूज एलिमेंट हो रहे हैं, मतलब आईडी के साथ हम लिखते हैं ना, वैसे सिलेक्टर के साथ लिखना सीखा था हमने, तो ये आईडी और क्लास के साथ भी आप इसे लिख सकते हैं। आईडी का नाम लिखेंगे और उसके बाद जो है एलिमेंट का नाम लिखेंगे। तो जितने भी टीडी और टीएच इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बॉर्डर जो है 1 पिक्सल के सॉलिड और इस कलर के होने चाहिए। तो ये 1 पिक्सल और सॉलिड इस कलर के बॉर्डर हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो कस्टमर्स टेबल रो एंड टीएच चाइल्ड इवन करके ये फंक्शन का यूज कर लेंगे वहाँ के, और उसमें वैल्यू इवन पास, आर्ग्यूमेंट इवन पास करेंगे, और उसकी बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो जितनी भी रो होंगी उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब उनके ऊपर रोज के ऊपर होवर किया जाएगा, होवर मतलब जब उन पर एरो लाएगा, तो वो वैसे ग्रे कलर की नजर आ रही है, लेकिन जब उस पर होवर होगा तो वो थोड़ा डार्क ग्रे हो जाएगा। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे आप लाइट रेड और डार्क रेड भी यूज कर सकते हैं, लाइट और ब्लू ब्लू भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कस्टमर्स के जो हेडिंग टीएच है, जितने मतलब जितने भी टीएच यूज हो रहे हैं उनका जो पैडिंग है 12 पिक्सल का होगा। जैसे 12 पिक्सल पैडिंग इसको मिलेगी तो ये थोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा। अब फर्दर मोर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उसको 14 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं तो और बड़ा हो गया। और पैडिंग बॉटम जो है, नीचे से इसकी पैडिंग जो है वो 14 पिक्सल की होगी, तो टॉप और बॉटम की पैडिंग दोनों सेम कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा और बड़ा हमें उस तरह से नजर आएगा। उसके बाद टेक्स्ट लाइन लेफ्ट होगी, तो देखिए बाय डिफॉल्ट इसकी सेंटर होती है और इसने इसको लेफ्ट कर दिया, तो ये सारा का सारा डेटा लेफ्ट पे नजर आ रहा है। बैकग्राउंड कलर इसका जो हमने डिफाइन कर दिया और कलर इसका वाइट कर दिया। तो इस तरह से ये एक जो आपका बेहतरीन किस्म का टेबल जो कि इस तरह से रिस्पॉन्सिव होगा, जो एडजस्टेबल भी होगा, वो इजीली पेज के ऊपर क्रिएट हो जाएगा, जो मतलब पेज के साथ साथ ऑटो एडजस्ट भी हो सकता होगा और उस पर होवरिंग इफेक्ट भी काम कर रहा होगा और उसके कलर भी बेहतर तरीके से आपको नजर आ रहे होंगे। तो टेबल इसलिए हम यूज करते हैं, कोई भी डेटा हमें जब डिस्प्ले करना होता है वेब पेज के ऊपर, तो लास्ट टाइम हमने HTML में नॉर्मल टेबल बनाना सीखा था, आज हमने CSS को उसको रिस्पॉन्सिव करना भी सीख लिया और हावरिंग इफेक्ट के जरिए एक अच्छा सा टेबल हमने बना लिया। फर्दर मोर हम इसके अंदर मजीद चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कस्टमर्स की क्लास में अगर आप बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो डायरेक्टली अगर कोई भी कलर उस पर आप डालेंगे तो वो उसके बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा उन एरियाज पर जिसमें बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, अब जिन पर अप्लाई नहीं हुआ है उसका क्या करेंगे, उन पे अप्लाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टीएच और टीडी के ऊपर आपने बॉर्डर और ये पैडिंग लगा रखी थी, और अगर उसके बाद एनटीएच का जो ये टीआर एनटीएच चाइल्ड इवन करके, मतलब इस फंक्शन से हो ये रहा है कि एक रो छोड़ के दूसरी रो के ऊपर जो है ये बैकग्राउंड कलर इजीली अप्लाई हो रहा है, और जब होवरिंग कर रहे हैं तो सबके ऊपर ग्रे कलर अप्लाई हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये चीज़ें आप जब इसमें से मॉडिफाई करेंगे और ये करेंगे तो आपको ये इजीली इस तरह का कोई भी रेस्पॉन्सिव टेबल आप इजीली बना लेंगे, ठीक है।